हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो, इस वीडियो हम लोग देखेंगे टेकला में अगर कोई सर्कुलर वाटर टैंक या सर्कुलर ऑयल टैंक या सर्कुलर कोई भी ग्रिड बनाना हो तो किस तरीके से सर्कुलर ग्रिड्स बनाएंगे, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगुलर ग्रिड तो है। मैंने रेक्टेंगुलर ग्रिड के बारे में बताया भी है, आपने देखा भी है कि रेक्टेंगुलर ग्रिड में तो आसानी से आप काम कर सकते हैं, बट अगर कोई चीज़ सर्कुलर बनाना हो तो आपको प्रॉब्लम जाती है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब सर्कुलर ग्रिड्स आपको तैयार करनी है तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाके कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से कंपोनेंट कैटलॉग, अदरवाइज आप कंट्रोल एफ करके यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, उसके क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे आपको क्लिक करना है RAD, मतलब रेडियल रेडियल एरे। तो जस्ट RAD लिखिए और सर्च कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया रेडियल ग्रिड। रेडियल ग्रिड लेने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करके जैसे आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ग्रिड्स आ गई। अब चाहे आप तो इस ग्रिड को, लाइक अगर इतने ग्रिड्स के काम है तो ओके, अगर आप चाहते हो पूरे पे ग्रिड बन जाए तो जस्ट एंड एक वन मोर थिंग, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन इरेज दिस वन। अभी इसका काम नहीं तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट, इस पे डबल क्लिक करिए, और यहाँ पे बताइए कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो है कितना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने अगर इधर की ओर, अगर मान लीजिए कि आपका 10 मीटर का ग्रिड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 10। ठीक है, अगर आपका क्या, वन मोर, ठीक है, उससे पहले काम करिएगा, यहाँ पे 0.0 कर दीजिएगा, 0.00, और उसके बाद ये 10, मतलब ये 10 मीटर का आपका ये ग्रेड का सेक्सपल हो गया। अब आप अगर वाटर टैंक बना रहे हो तो आप देख लो कितने मीटर का आपको, 5 मीटर का लग सकता है, 4 मीटर का लग सकता है, बड़ा वाटर टैंक होगा तो 20 मीटर्स का भी लग सकता है, राइट। इसके बाद वाइट डिग्री, वाइट डिग्री क्या होता है, वाइट डिग्री में हम लोग क्या करते हैं कि इसको कितने में सर्कुलेट करेगा वो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। तो सर्कुलेट करने के लिए 70 × 6, अगर हमने 70 × 6 किया, मतलब कि एक को एंगल दे दिया कितने का, एक को एंगल दिया हमने 6 का, तो यहाँ पे हमारे पास 70 ग्रिड्स तैयार हो गए। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको हाइट दिया, जो भी आपको हाइट देना है वो हाइट दीजिए। ठीक है, और हाइट देने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया एलिवेशन। तो अगर हमारा जैसे कोई भी टैंक है तो हमने अगर 8 मीटर का लिया हमने, तो 8 मीटर, और हो सकता है उसके नीचे जो प्लेट हो आपका 6 मीटर का हो तो उसे 6 मीटर कर दीजिएगा, 6 मीटर, उसके बाद 8 मीटर, मतलब दो सेक्शन बना दिए। हाइट है, एलिवेशन मतलब होता है हाइट। हमारा जो कॉलम होगा मान लीजिए वो है 6 मीटर का, और जो हमारा उस बीच का कॉलम है वो होगा 8 मीटर का। तो हमने क्या किया, 10 मीटर ये लिया, 70 × 6, 6 मीटर, 8 मीटर, उसके बाद मॉडिफाई, और उसके बाद जैसे ही आप मॉडिफाई आप करेंगे तुरंत ये सर्कुलेट हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्शन। ओके ओके, अब मैंने कई बार देखा है इस तरीके से आप सर्कुलर ग्रिड तो कुछ लोग तैयार भी कर लेते हैं, बट सर्कुलर ग्रिड तैयार करने के बाद इस पे कुछ सर्कुलर एरे कराना पड़ता है तो उनको प्रॉब्लम जाती है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे होता है कर्व बीम। देखिए यहाँ पे आएगा कर्व बीम, और कर्व बीम लेने के बाद इसको 3 पॉइंट देना पड़ता है। कैसे सर्कुलर एरे कराना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड देन थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक आई सेक्शन आ चुका है, बट अब आई सेक्शन तो आप यूज़ नहीं करना चाहोगे, तो जो भी यूज करना चाहोगे, जैसे अगर प्लेट यूज करना आप चाहोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। टेक्ला की सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ आप लिख दीजिए PLT, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 20 × 2000, मतलब 20 mm इसकी जो थिकनेस रहेगी आपके प्लेट की, और 2000 आपका हाइट रहेगा, मतलब 2 मीटर्स हाइट रहेगा। अगर आपको 3 मीटर्स हाइट चाहिए तो यहाँ पे 3 मीटर कर देंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए हमको 3 मीटर चाहिए हाइट, 3 मीटर्स, मॉडिफाई। अब इसको क्या करना है, हमको ऊपर लेके जाना है, राइट। तो ऊपर ले जाने के लिए पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, किसका, डेप्थ का। डेप्थ का पोजीशन हमने कर दिया इसका फ्रंट, और इसके बाद कर दिया मॉडिफाई, और उसके बाद हमने इसको क्या किया, अब इसको मुझे एरे कराना है।
एरे कराते टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, तो इसलिए आज एरे भी आपको मैं क्लियर करूँगा अच्छे तरीके से। एरे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियल एरे पर सबसे पहले डबल क्लिक करिएगा, इसकी सेटिंग खुलेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे जो लिया है एरे, जो ग्रिड्स लिए हैं, सिक्स सिक्स के स्पेसिंग्स पे लिया है, राइट, सिक्स सिक्स के एंगल पे। तो और हमने ये जो प्लेट बनाया है, ये प्लेट दो को एक साथ मिला के बनाया है, मतलब टोटल एंगल कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, सिक्स सिक्स 12 एंगल हो गया, 12 एंगल हो गया, ठीक है। अब पूरे को रोटेट करेगा ये 12 एंगल, तो कितनी प्लेट्स लेगा, ठीक है। ज़्यादा प्लेट डाल सकते हैं, कम प्लेट मत डालिए, कम प्लेट डाल के फिर प्रॉब्लम होती है कि वो खाली रह जाता है, ज़्यादा डाल के आप डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 37 प्लेट्स लिया, नियर अबाउट 35 प्लेट आएगा, बट हमने 37 लिया, उसका फ़ायदा मैं आपको दिखाऊंगा, डिलीट कर सकते हैं बहुत ईजीली। देखिए इस पर क्लिक किया है, फिर इस पर यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट ये देखिए आप दिखा रहे हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो एक बार आप फिर से क्लिक करिएगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, ऑब्जेक्ट मिल चुका है उसको देखिए। इसके बाद माउस के मिडिल बटन पर प्रेस करिएगा, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाइएगा, इसके यहाँ देखिए लिखा, अभी माउस पे मिडिल बटन पर नहीं क्लिक हुआ, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिक ओरिजिन पॉइंट। तो बहुत ध्यान से आराम से जाइएगा, क्योंकि अगर इसका सेंटर आपने गलत किया तो गलत जगह एरे हो जाएगा, एक क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पिक एक्सिस एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको पिक करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन आपका किधर है, इधर है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाई डायरेक्शन, क्लिक कर दिया, राइट क्लिक कैंसिल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सेक्शन हमने डबल हुए हैं, देखिए यहाँ के कुछ सेक्शन डबल हुए हैं और यहाँ के सेक्शन सिंगल है। तो जो डबल हुए हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनको डिलीट करना पड़ेगा। वो डिलीट कैसे होंगे, अभी तो एक है सब, तो आप ऑटोकैड में कैसे करते थे, सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कंपोनेंट, वही काम यहाँ पे करना है। अब जो डबल है, जैसे ये और यहाँ पर डिलीट कर दिया, क्लियर हो गया। अब अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलेट नहीं है, मतलब ये देखिए यहाँ पे सही से सर्किल नहीं बना हुआ है, मीन्स थोड़े थोड़े यहाँ पे गैपिंग्स है, रेक्टेंगल शेप ज़्यादा है, मुझे चाहिए सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से जा सकते हैं डायरेक्ट, या तो फ्रंट व्यू से भी जा सकते हैं। अगर आपका हाथ सेट है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाइए, ऐसे क्लिक, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए सारे मेंबर्स को, और सबको सेलेक्ट अच्छे से करिएगा, क्योंकि एक भी मेंबर अगर आप छूटा आपका तो वो आपका सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, सबको हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। और डबल क्लिक करते ही अब देखेंगे तो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसके पोजीशन पे जाइएगा तो यहाँ पर कर्व देना पड़ेगा, क्योंकि कर्व नहीं देंगे तो ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है, ठीक है। तो पहले एक बार मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया इसको, और इस तरीके से एक बार देख लेना ध्यान से, क्योंकि एक भी छूटेगा तो बहुत प्रॉब्लम कर जाता है यार। इस तरीके से ले लिया, और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सही। और यहाँ पे कर्व दे दीजिएगा, कर्व देने जैसे कि अब इसका कितना था, इसका रेडियस था 10,000, तो इसको दे दीजिएगा -10,000, मॉडिफाई। और एक काम और करिएगा, सिगमेंट्स काट दीजिएगा कम से कम 10, सिगमेंट मीन्स होता है वो अच्छे से डिफॉर्म कर पाएगा खुद को। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सर्कुलर शेप ज़्यादा हो चुका है कंपेयर टू लास्ट टाइम, समझ आया क्या। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्कुलर सेक्शन तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सेक्शन को पूरा कंप्लीट करूं, मीन्स यहाँ पे नीचे ग्रिड भी लगाऊं, तो नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ टेक्ला का वीडियो कितने लोग चाहते हो, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन यार कम से कम एटलीस्ट 50 लोग तो चाहिए, कि 50 लोग जो रेगुलर देखने वाले हों टेक्ला को, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ जी सर हम टेक्ला रेगुलर देखने वाले हैं। अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगा,
नीचे कमेंट करिएगा, जो कमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग मेरे इश्यू देख के ही अपना यार डिसाइड कर सकता है ये चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रेडियल एरे को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेडियल एरे टूल और रेडियल ग्रिड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।